राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कान्हा की कृपा से आप सब अच्छे हो गए। आपके अपने चैनल में इंडियन फूड लक्ष्मी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, तो आप देख ही सकते हो चाय बन रही है। एक साइड दूध गर्म हो रहा था, एक साइड पानी गर्म हो रहा था पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रात को बर्तन वॉश करके रख दिए थे, तो ये भी मुझे लगाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे हस्बैंड ने मतलब सब्जी यहाँ पे ला के रख दी है, और अभी मुझे इनको धोनी है सब्जियों को। और आंवला भी है इसमें, आप देख सकते हो। और आंवले की मैंने आंवला कैंडी रेसिपी डाली है, तो आप देखना फ्रेंड्स, मतलब बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, तो फटाफट से चाय मैं बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे कुछ करूँगी चाय पीने के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पपीता और ये अदरक धो के रखे हुए हैं, और मैंने नहा भी लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं जल्दी से अपने लड्डू गोपाल को मैंने दूध दे दिया था, अभी मैं उनको पपीता कट करके दे दूंगी। तो यहाँ पे हम अपने लिए भी कट कर लेंगे और अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई फ्रूट कोई खाने की चीज़ ऐसी आती है, तो सबसे पहले हमारे कानों को दे देते हैं हम, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो यहाँ मैं कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। कानू का चैनल भी है, लड्डू गोपाल दीवानी क्राफ्ट, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार चेक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो लड्डू बैठा हुआ है, तो अभी सर्दी काफ़ी पड़ने लग रही है, तो मैंने उनको जो ब्लैंकेट था ना गरम वाला, वो अच्छे से मतलब उनको कवर करके और बिठाया हुआ है। तो इसमें संतरे भी मैंने छील लिए थे साथ में ही। तो यहाँ पे ये लड्डू के लिए मैं कट करके रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं चावल फ्राई करूँगी अपने लिए, और देखती हूँ मेरे हस्बैंड खाते हैं कि नहीं खाते। तो शाम के थोड़े से चावल बच गए थे, तो वो मैं अपने लिए फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मेरे लड्डू का हो गया है नाश्ता, मैंने फ्रूट्स दे दिया है उनको। आप अपने लड्डू को कुछ भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कान्हा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। और सुबह की हमारी चाय वगैरह सब हो गई है, मेरा झाड़ू पोछा, मतलब सुबह के जो डेली के काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं मेरे। और अभी मैं चावल यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो थोड़े से चावल बच गए थे शाम के, तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, मैं अपने लिए चावल फ्राई करती हूँ। तो इनको नहीं खाना, मेरे हस्बैंड को नहीं खाना है, मुझे खाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आलू प्याज मतलब भून रही हूँ मैं अच्छे से। और यहाँ पे है गाजर, जो मैं डुगू के लिए ना जूस निकालती हूँ, उसको पानी देती हूँ गाजर का, आप देख सकते हो दिख रहा होगा आपको। तो इसका तो भी गाजर बची हुई है ना, तो इसको मैंने इसमें चावल में डाल दूंगी। देखती हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बताती हूँ कैसा टेस्ट बनता है। तो अभी मैं इसको भून लेती हूँ फटाफट से, और मैं आपको डुगू को भी दिखाती हूँ, डुगू बैठा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे आलू और प्याज, हरी मिर्ची और थोड़े से मूंगफली के दाने डाले हैं, तो ये अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे गाजर, मैंने कद्दूकस जो डुग्गू के लिए जूस निकाला था वो बची हुई है। तो फ्रेंड्स, मतलब गाजर कट करके तो मैंने काफ़ी बनाया, लेकिन कद्दूकस करके मतलब पहली बार डाल के बना रही, देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। वो यहाँ पे बैठा है डुग्गू, तो इसको मैंने गाजर वाला पानी दिया हुआ है, तो पी रहा है, तो देख भी रहा है कितने आराम से, देखो देख रहा है। तो यहाँ पे बैठा है लड्डू, और लड्डू को मैंने फिर से दूध और बिस्किट दे दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, और पानी भी है पास में। तो जल्दी से मैं अपने लिए बना लेती हूँ चावल, और फिर मैं खा के भी बताती हूँ आपको कि चावल का मतलब कैसा टेस्ट रहा गाजर डाल के। तो यहाँ पे मेरे आलू और प्याज वगैरह सब भून चुकी है, तो अभी मैं इसमें गाजर ऐड कर दूंगी, और जो डेली के हमारे मसाले होते हैं वो ऐड करने होते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे मिर्ची बिल्कुल नहीं डालूंगी, बस हल्दी डालूंगी और कुछ नहीं, और नमक, हरी मिर्ची डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चावल फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो, अभी मैं इनको खाऊंगी फिर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं खा के दिखाती हूँ कैसा है टेस्ट है इसका। अच्छा है, जरूर ट्राई करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बाहर शोर हो रहा है,
पुरानी टीवी बेचो, पुराने कूलर बेचो, मतलब कबाड़ी आया है वो बोल रहा है। चलो मैं खा लेती हूँ फटाफट से और साथ में टीवी भी देखूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में और यहाँ पे कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। तो यहाँ पे बन रही है आलू मटर की सूखी सब्जी और मुझे आलू मटर की सूखी सब्जी बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और आलू मटर की सूखी सब्जी के साथ पूड़ी पूड़ी होनी चाहिए तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। और फ्रेंड्स और आज शाम को मुझे मार्केट जाना है, मेरे मतलब हस्बैंड को कुछ कपड़े लेने हैं, शूज़ वगैरह लेने हैं उनको, कुछ कुछ मुझे भी लेना है किचन का सामान। तो यहाँ पर मैंने फिर से आलू ले लिए थे और गोभी ले ली थी, सुबह भी लिए थे और अभी भी और ले लिए आलू। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आलू को प्याज के साथ अच्छे से भून लेती हूँ फ्रेंड्स और फिर उसके बाद मैं मतलब मटर डालूंगी। और डेली के जो मसाले हैं तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइट बनाऊंगी, ज़्यादा तीखी नहीं बनाऊंगी, बस हल्दी डालूंगी, हल्की सी मिर्ची डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने सूखी सब्जी बनाई थी तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं दाल भी बनाओ, तो यहाँ पे एक साइड मैंने दाल भी चढ़ा दी है फ्रेंड्स। तो आलू मटर की सब्जी और दाल रोटी। अभी फ्रेंड्स तो हम आ चुके हैं मार्केट से और हमारी शॉपिंग हो चुकी है, कुछ मेरी हो चुकी है, कुछ मेरे हब्बी की हो चुकी है। तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने तो थोड़ा बहुत लिया है, मेरे हब्बी ने बहुत ज़्यादा लिया है। मतलब कपड़े भी परचेज़ किए हुए हैं उन्होंने और शूज़ भी परचेज़ किए हुए हैं, तो उन्होंने विशाल से कपड़े परचेज़ कर लिए हैं। तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ और कुछ कुछ मैं अपनी किचन के लिए भी अपना सामान लेके आई, जो मुझे रेसिपी में ज़रूरत पड़ता रहता है तो मैं वो लेके आई हूँ। और मार्केट आने के बाद सच में ऐसे लगता है कि ना बढ़िया से कड़क वाली एक कप चाय मिल जाए, जैसे कि अभी सर्दी हो रही है, मतलब लग रही है सर्दी काफ़ी, तो लगता है चाय पीते ही रहो। तो मैं चाय भी बनाऊंगी साथ साथ में, मतलब चाय रख के आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या मैं शॉपिंग, अगर शॉपिंग अच्छी लगी हो मेरी तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कॉमेंट शेयर भी करना और अपने अपनों के साथ भी शेयर करना। और मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखी है फ्रेंड्स, वो भी चेकआउट करना। राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये हमने विशाल से परचेज़ करी हुई है टी शर्ट और विशाल में बहुत अच्छा कलेक्शन लगा हुआ है, विंटर कलेक्शन। और यहाँ पे ये नॉर्मल टी शर्ट है, मतलब उन्होंने दो नॉर्मल ली है और दो थोड़ी सी मतलब गर्म जैसे टी शर्ट ली है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी है। तो इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, मतलब जो चार टी शर्ट परचेज करी है चारों का कपड़ा बहुत अच्छा है। और मैं आपको चारों टी शर्ट भी दिखाऊंगी जो भी लिया है। तो मुझे इसमें से ना ये टी शर्ट बहुत ज़्यादा सबसे पसंद आई है। तो यहाँ पे जो ये ब्लू वाली टी शर्ट है ना, स्काई ब्लू वाली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। और ये बिल्कुल गर्म वाली टी शर्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको सारी दिखाती हूँ, तो एंजॉय करिए शॉपिंग। फ्रेंड्स तो यहाँ पे शूज़ कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे ना जो बिगर लेस वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और वो भी अच्छे लग रहे हैं लेकिन मुझे ज़्यादा वो अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने लिए लेके आई हूँ एक कोटी, जो कि
मतलब जैसे कि हल्की सर्दी होती है तो उसको मतलब कटिंग वाली तो वो डाल लो। और ये मैंने बिसाल से नहीं, ये मैंने शॉप से परचेज करी है और ये बहुत मतलब अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत प्यारी लगी मुझे। तो ये मुझे करीबन 900 रुपये की पड़ी। और यहाँ पे मैं कैरी बैग डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि रेड रेड लग रहा था तो मैंने सोचा कुछ अलग से दिखेगा। और यहाँ पे लेके आई हूँ मैं स्लीपर, तो ये गरम वाली स्लीपर है जो रूम में पहनने वाली, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और गरम भी है। और यहाँ पे प्लेट्स लेके आई हूँ मैं, तो मैं रेसिपी बनाती रहती हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लेट परचेज करी हुई हैं। तो ये मुझे 60-60 रुपये की पड़ी। और ये 2 व्हाइट वाली ये प्लेट मुझे 100 की पड़ी, तो ये गेट वन बाई फ्री थी। और यहाँ पे ये कलछी लेके आई, तो ये प्लेट वगैरह मैंने बिसाल से ही परचेज करी है। और जो ये लकड़ी वाला स्पून है ये मेरे को 60 रुपये कुछ ऐसे पड़ा। और यहाँ पे एक मैट लेके आई हूँ, तो ये मैं डुग्गू के लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बहुत गर्म है, तो इस पे डुग्गू को सुलाने के लिए लेके आई हूँ क्योंकि ठंडी अब बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो तो बता नहीं सकता कि सर्दी ज़्यादा है कि कम है, तो मैं उसके सोचते हुए लेके आई हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स, तो और भी अगर मैं विशाल गई तो और भी लेके आऊँगी। मैंने इतनी ही शॉपिंग की थी अपने हबी की और अपनी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी और क्या क्या अच्छा लगा आपको। और तो फिर वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ अगली वीडियो में या रेसिपी लेके या ब्लॉग लेके। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।